हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं टेक्निकल यार। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं केबूम ट्राइपॉड, जो कि मैंने खरीदा है 220 रुपए में सिर्फ। तो मैं आपको बताऊंगा ये दिखने में कैसा है, इसकी रिव्यू कैसी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो ये है हमारा फ्लिपकार्ट का बॉक्स, आप देख सकते हैं कैसा नॉर्मल दिख रहा है। तो ये है हमारा बिल, इसके नीचे भी एड्रेस कुछ दिया हुआ है और आप पीछे से भी देख सकते हैं, इसमें कुछ और ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं है। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। तो ये है हमारा एक नॉर्मल बॉक्स, आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग के लिए कागज़ है। तो चलिए अब इसे कैंची से खोलते हैं। तो मैंने आजू बाजू से खोल लिया, अभी एक बीच में भी एक मारेंगे कैंची। आप ही घर के ट्राई मत कीजिए या फिर बड़ों के साथ ही इसे खोलिए। तो चलिए खोलते इसे भी, जैसे कि भी आप देख सकते हैं हमने अभी बॉक्स खोल लिया। तो इसे निकालते, ये अंदर से खोल रहा नहीं जल्दी, ये बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है। तो इसे खींचते तो आप देख सकते हैं इस पर लिखा है ट्राइपॉड 3110। तो इसमें और भी जानकारी दी गई है, जैसे कि 220 ग्राम में उसका अलग अलग चीज़ें भी दी गई है, मेंशन कितनी साइज इसकी, ये 3-way हेड है, बुलेटिन लेवल 4 सेक्शन और दिया गया है, और इसका सामने का भाग है इस पर भी इसका डिज़ाइन दिया गया है कि आपको दिखने में कैसे मिलेगा। और ये इसका साइड कॉर्नर जो पहले जानकारी दी गई थी वही इस पर फिर से दी गई है। तो इसमें और कुछ खास नहीं, तो चलिए इसे अंदर से खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें एक थैली मिल रही है नॉर्मल सी, तो इसे भी निकालते देखते हैं। तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं, तो देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो अभी हमने इसे बाहर निकाल लिया, अरे ये क्लिप नीचे गिर गई, चलिए इसे साइड में रखते हैं बॉक्स को। तो अभी मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, ये है क्लिप है जो मोबाइल जिसे हम पकड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसे खींचेंगे तो आप इसमें अपना मोबाइल अटैच कर सकते हैं। तो इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये पूरा प्लास्टिक का दिया गया है और इसके अंदर लोखंड का फ्रेम है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक रबर का दिया गया है जिससे आप अपने मोबाइल को अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो स्प्रिंग भी देख ली मैंने, स्प्रिंग भी बहुत मजबूत है, और इसमें ये जो सर्कल दिया गया है इसमें आप स्क्रू फिट करेंगे। तो देखते थैली को खोलते इसमें क्या निकलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी थैली को खोलने जा रहा हूँ, तो इसमें हमारा निकला ट्राईपॉड। तो अगर मैं ट्राईपॉड की बात करूँ तो इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है और थैली देखे तो हम पूरी खाली और एकदम अच्छी ब्रांडेड थैली दिख रही है। तो आप इसमें ही इसे संभाल के रख सकते हैं, इससे आपको खरोच से बचाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरा प्लास्टिक बॉडी है और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ मिलता है, और इसमें हमें एक ग्रीन कलर का हमें एक देखने को मिल रहा है जो बबल है जिससे आप लेवल चेक करते। तो चलिए मैं आपको इसका कुछ दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसे गोल गोल फिरने से ये आगे पीछे ऊपर नीचे होगा। अगर आपको टिकटॉक की वीडियो बनाने तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इससे आपका मोबाइल वर्टिकल में आ जाएगा। और इसके नीचे की बात करूँ तो इसमें आपको स्क्रू दिया गया है जिससे आप इसे घुमाकर टाइट या मुलायम कर सकते हैं, मुलायम का मतलब यहाँ पे ढीला। और अगर मैं स्क्रू निकालने की कोशिश करूँ तो ये नहीं निकालने वाला, क्योंकि ये इनर फिटिंग में दिया गया है। तो नीचे की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा प्लास्टिक बॉडी है, और इसका ये जो साइड का डंडा भी दिया गया है जिससे आप उसके सिनेमेटिक शॉर्ट लेन में इस्तेमाल कर सकते हो और मोबाइल को बिना हाथ लगाए इसे टर्न कर सकते हैं। तो और आगे की बात करूँ तो आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं कि प्लास्टिक दिया गया है, ये काफ़ी हल्का है, इसका वजन भी बहुत ही कम है, 200 ग्राम के आसपास है जितना कि हमें देखने को मिल रहा है। और मैं नीचे की बात करूँ तो इसमें हमें 4 लाइन देखने को मिल रहे है, और अगर मैं इसके वर्टिकल की बात करूँ तो इसमें हमें 3 डंडियाँ देखने को मिल रही है, मतलब 3 लेग सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें ये बटन दिया गया है जिससे आप इसे टाइट और खोलने में आसानी होगी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका बीच का भाग ही खुला है, यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी को बंद करके देना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ रिबिन लगाना चाहिए था। तो अगर मैं आगे की बात करूँ तो आप देख सकते हैं जिसे हम ऐसे दबाएंगे तो ये धीरे धीरे नीचे चला जाएंगे, इसलिए आपको वो लॉक सेक्शन दिए गए जिससे आप इसे कनेक्ट कर सकें। ये जो हमारा ट्राइपॉड है बहुत ही बेसिक सा है, तो आप इसका यकीन नहीं करोगे कि ये मैंने फ्लिपकार्ट में सिर्फ 220 रुपये का ख़रीदा है। तो अगर इसकी बात करूँ तो देखिए ये डंडा पूरा बाहर आ जाता है, तो आपको इसे संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपसे तोड़ भी सकता है, क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। मेरे सबसे कंपनी ने इसका कुछ अटैचमेंट करके देना चाहिए था तो ये ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हमें पता है कि हम कर लेते पर दूसरों का क्या होगा ये हम बता नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं इसकी साइज़ एक लगभग 1 फुट के बराबर, मतलब 12 इंच। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसे 3 डंडा दी गई है जिससे आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ ऊपर से ऐसा दिखने वाला है। तो चलिए इसके नीचे के सेक्शन में आपको खोल के दिखा दूँ कैसे खुलते। तो ये लॉक है, आपको इसके ऊपर की तरफ खींचना है,
तभी ऐसे खुल जाएंगे। अगर आप इसे नीचे ले लेते हो तो ये फिर से टाइट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना मुलायम है और ये बहुत ही पतला दुबला ट्राइपॉड है। अगर आप इसे जोर से पटकते तो ये टूट भी सकता है, इसलिए मैं आपको इसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। तो चलिए इसका सामने का हेड आपको खोल के दिखा देता हूँ ये कैसा है। तो इसकी अगर इसकी बात करो तो ये प्लास्टिक से बना हुआ है, वहाँ पे एक स्क्रू भी दिया गया है। आप देख सकते हैं मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, तो आप इसे ताकत लगा के धीरे धीरे ऊपर ले सकते हैं। अगर आप इसे ज़ोर से दबाएंगे उतना ही टाइट होता चला जाएगा और जितना स्लो रखेंगे उतना ही वो कम ज़्यादा होने लगेगा। तो चलिए मैं इसके बबल इंडिकेटर के बता देता हूँ। जब आपकी ज़मीन थोड़ी सतह ऊपर नीचे होगी तब आपको इसे मैनेज करने में ज़्यादा आसानी होगी और आप इसे सीधे तौर पर ज़्यादा अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकोगे। ये बहुत ही छोटा है, लगभग आपके कमर तक ही आएगा। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।